हेलो, वेलकम टू एग्री टाइम, लर्न एग्रीकल्चर विद मी। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं CGPAT एग्जाम में बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। ये पार्ट वन रहेगा। हम लगातार आपके लिए जो पार्ट है वीडियो के वो लाते रहेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह के वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आप सबसे पहले जो टेस्ट सीरीज है वो अटेंड कर पाओ। सो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं इस सीरीज का, और ये रहा आपकी स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन। राइबोसोम किसके बने होते हैं? सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि राइबोसोम किसका बना होता है, और ऑप्शन में यहाँ पे दे रखे हैं DNA, RNA और प्रोटीन का, या फिर DNA और प्रोटीन का बस, या फिर RNA और प्रोटीन का, या फिर न्यूक्लियो प्रोटीन का। सो मैं आपको हर एक क्वेश्चन में 10 सेकंड का टाइम दूंगा, आपको आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। सो बताइए क्विज वन का राइट आंसर क्या होगा। टाइम अप होता है डियर ऑडियंस, और क्विज वन का जिन्होंने सी आंसर कमेंट किया यानी कि RNA और प्रोटीन, उन सभी का आंसर राइट है। अब इसमें एक्सप्लेन करने वाली कोई बात नहीं है कि राइबोसोम किसका बना है, तो RNA और प्रोटीन का ही बना होता है। ठीक है, जिस क्वेश्चन में एक्सप्लेन करने के लिए हो रहेगा, ठीक है, उस क्वेश्चन में एक्सप्लेन हम जरूर करेंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, और दूसरा क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कोशिका की रसोई किसको कहा जाता है? ऑप्शन में यहाँ पे दिए हैं क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल, या फिर नॉन ऑफ दिस, यानी कि इनमें से कोई नहीं। सो कमेंट कीजिए क्विज टू का राइट आंसर क्या होगा। टाइम अप होता है डियर एग्रियंस, और क्विज टू का जिन्होंने बी आंसर कमेंट किया यानी कि क्लोरोप्लास्ट, उन सभी का आंसर राइट है। एक्सप्लेन देखते हैं। सो क्लोरोप्लास्ट को कोशिका का रसोई कहा जाता है क्योंकि हरे पौधों में पाया जाने वाला प्रकाश संश्लेषण में भाग लेने वाला जो होता है वो वर्णक कौन सा होता है? सुहरा वर्णक, और इसे ही हम क्लोरोप्लास्ट या फिर रसोई, कोशिका का रसोई के नाम से जानते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपके स्क्रीन पर। कोशिका भित्ति के साथ सबसे छोटे जीव कौन से होते हैं? याद रखिए कोशिका भित्ति के साथ सबसे छोटा जीव पूछा जा रहा है, और ऑप्शन में आप दे रखे हैं साइनोबैक्टीरिया, जीवाणु, खमीर और शैवाल। सो कमेंट कीजिए क्विज नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा। टाइम अप होता है ग्रियंस, और क्विज नंबर 3 का जिन्होंने बी आंसर कमेंट किया यानी कि जीवाणु, बैक्टीरिया, उन सभी का आंसर राइट है। एक्सप्लेन देखते हैं। सो बैक्टीरिया कोशिकाओं की दीवारों के साथ सबसे छोटे एकल कोशिका वाले प्रोकैरियोट हैं। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया हो गया, नीला हरा शैवाल जिसको बोलते हैं, या फिर हम BGA जिसको बोल देते हैं, खमीर हो गया और शैवाल, ये सभी बैक्टीरिया से क्या होते हैं? बड़े होते हैं, और जो बैक्टीरिया होता है वो इन सभी से क्या होता है? छोटा होता है। सो सभी याद रखिएगा इसको। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपके स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण के अजैविक घटकों की श्रेणी के अंतर्गत आता है? यानी कि पूछा जा रहा है कि इन ऑप्शनों में से कौन अजैविक घटक है, और ऑप्शन में यहाँ पे दे रखे हैं पक्षी, पौधा, सूर्य का प्रकाश, या फिर कवक। सो कमेंट कीजिए ग्रियंस क्विज 4 का राइट आंसर क्या होगा। टाइम अप होता है ग्रियंस, और क्विज नंबर 4 का जिन्होंने सी आंसर कमेंट किया यानी कि सनलाइट, सूर्य का प्रकाश, उन सभी का आंसर राइट है। एक्सप्लेन देखते हैं। सो सूर्य का प्रकाश एबायोटिक घटक का एक उदाहरण है।
एबायोटिक कारक पारिस्थितिक तंत्र में गैर जीवित भौतिक और रासायनिक तत्वों को क्या करता है, संदर्भित करता है। जीव कारक पारिस्थितिक तंत्र में रहने वाले या एक बार रहने वाले जीव होते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित प्रक्रियाओं में प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, किसमें? ऑप्शन दिया है यहाँ पे श्वसन, किण्वन, प्रकाश संश्लेषण या फिर फोटो रेस्पिरेशन। सो कमेंट करके बतलाइए क्विज 5 का राइट आंसर क्या होगा। टाइम अप होता है ग्रियंस। और क्विज नंबर 5 जो कि बहुत ही सिंपल है, और जिन्होंने यहाँ पे सी आंसर कमेंट किया यानी कि प्रकाश संश्लेषण, उन सभी का आंसर राइट है। अब इसमें एक्सप्लेन करने वाली कोई बात नहीं है। प्रकाश ऊर्जा को सिंपली रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन किसमें किया जाता है, ये पूछा जा रहा है। सो प्रकाश संश्लेषण में होता है ये। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित एंजाइम में से कौन सा छोटे आंत में स्त्रावित नहीं होते हैं? और ऑप्शन में यहाँ पे दिए हैं पित्त, ट्रिप्सिन, लैक्टेज और पेप्सिन। अच्छे से पढ़िए क्वेश्चन को। निम्नलिखित एंजाइम में से कौन सा छोटे आंत में स्त्रावित नहीं है? सो कमेंट करके बतलाइए क्विज 6 का राइट आंसर क्या होगा। टाइम अप होता है ग्रियंस। और क्विज नंबर 6 का जिन्होंने डी आंसर कमेंट किया यानी कि पेप्सिन, उन सभी का आंसर राइट है। एक्सप्लेन देखते हैं। सो यहाँ पे पेप्सिन पेट में स्त्रावित होता है, ठीक है, जो प्रोटीन को क्या करता है, पेप्टेन में परिवर्तित करता है। क्या करता है? पेप्सिन पेट में पेप्टेन में परिवर्तित करता है किसको? प्रोटीन को। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपके स्क्रीन पर। मानव शरीर में पश्च कपाल मज्जा का अंग होता है, और ऑप्शन में दे रखे हैं यहाँ पे मस्तिष्क, त्वचा, आंत और हृदय। ठीक है, आंत है वो, ना कि अंत, वहां पे मिस्टेक हुआ है और इंग्लिश में भी मिस्टेक हुआ है। ठीक है, तो वो आंत है, अंत नहीं है। सो कमेंट करके बतलाइए क्विज 7 का राइट आंसर क्या होगा। टाइम ऑफ होता है ग्रियंस। और क्विज नंबर 7 का जिन्होंने ए आंसर कमेंट किया है यानी कि मस्तिष्क, ब्रेन, उन सभी का आंसर क्या है? भी राइट है। ठीक है, मानव शरीर में पश्च कपाल मज्जा का जो अंग है वो है आपका मस्तिष्क। एक्सप्लेन देखते हैं। सो मेड्यूला ऑर्बिगाटा, जिसे मज्जा भी कहा जाता है, मस्तिष्क का सबसे क्या होता है? निचला हिस्सा होता है। और मस्तिष्क का सबसे निचला हिस्सा होने के कारण जो मज्जा है ऑर्बिगाटा को पोस से क्या होता है, वहां से जुड़ा होता है वो। और मिड ब्रेन और रीढ़ की जो हड्डी होती है इसके साथ लगातार क्या होती है, खराब हो जाती है, जिसके साथ या खोपड़ी के आधार पर क्या होती है, उद्याघट यानी कि फॉर्मेन मैगुनम में विलीन हो जाता है। अच्छे से अगर नहीं समझोगे तो आप एक बार और पढ़ लेना, इसको आप समझ जाओगे कि कहने के मतलब मैं क्या कहना चाहता हूं उसको। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला जो क्वेश्चन है ये रहा आपके स्क्रीन पर। सेल का आकार निर्भर करता है, साइज ऑफ सेल इज डिपेंड। ऑप्शन में दिया है यहाँ पे इसके नाभिक की विनिमय क्षमता, बी में दिया है इसकी खनिज आवश्यकताएं, सी में दिए हैं इसकी ऑक्सीजन की आवश्यकता, या डी में दिया है उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबो। सो कमेंट करना है सभी को क्विज 8 का राइट आंसर क्या होगा। टाइम अप होता है ग्रियंस। और क्विज 8 का जिन्होंने डी आंसर कमेंट किया है यानी कि सभी, ऑल, उन सभी का आंसर क्या है, राइट है। सेल का जो आकार है वो नाभिक की विनिमय क्षमता, इसकी जो खनिज आवश्यकता है वो, और ऑक्सीजन की आवश्यकता, ये सभी पर
क्या करती है, निर्भर करती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, ये रहा आपके स्क्रीन पर, मानव शरीर का दूसरा सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है? यकृत, अग्नाशय, वक्ष और बढ़ियात। कमेंट करके बतलाइए फास्ट, क्विज 9 का राइट आंसर क्या होगा। टाइम अप होता है एग्रियंस, और क्विज 9 का जिन्होंने क्या सी आंसर कमेंट किया है, नहीं बी आंसर, ठीक है। मानव शरीर का दूसरा सबसे बड़ा जो ग्रंथि है वो है आपका अग्नाशय, ठीक है। एक्सप्लेन देखते हैं। सो लीवर के बाद दूसरा सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है? सो अग्नाशय है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला जो क्वेश्चन है वो है, एक बीजपत्री पौधे का उदाहरण नहीं है, इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ए मोनोकॉट प्लांट। और ऑप्शन में यहाँ पे दे रखे हैं जौ, नारियल, प्याज और गोभी, यानी कि कैबेज। सो कमेंट करके बतलाइए, सिंपल क्वेश्चन है, इन ऑप्शनों में से एक बीजपत्री पौधा कौन सा नहीं है। टाइम अप होता है ग्रियंस, और क्विज नंबर 10 का जिन्होंने डी आंसर कमेंट किया है, यानी कि कैबेज, गोभी, उन सभी का आंसर क्या है, राइट है। एक्सप्लेन देखते हैं। सो गोभी मोनोकोटिलीडन पौधे का एक उदाहरण नहीं है, यह एक डाइकोटोलाइड है, जिसको, ठीक है, जो डाइकोटोलाइड है इसमें प्रत्येक बीच में दो प्रासर्व कोटिलीडन होते हैं, जबकि मोनोकॉटिलीडन में एक कॉटिलीडन होते हैं जिसमें एक क्या होता है, टर्मिनल स्थित होता है। मैंने इस पर बहुत ही अच्छा वीडियो आपके लिए बनाया हुआ है सीजीपीएटी मिशन सीजीपीएटी एग्जाम में। सो आपको अगर समझना है कि एक बीजपत्री द्विबीजपत्री क्या होते हैं, कैम प्लांट्स क्या होते हैं, सो आप वो वीडियो जरूर देखें। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बेबी वो जो वीडियो है उसका लिंक दे दिया जाएगा, सो वहां से आप जरूर उसको देख लेना, ताकि आप और अच्छे से समझ जाओ एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री और कैम प्लांट्स के बारे में, ठीक है। सो आज का टेस्ट यही खत्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें वीडियो कैसा लगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।